तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। दोस्तों, आपको पता ही हुआ कि कल 23 मार्च है और कल हमारी गेम के अंदर OB33 का अपडेट आने वाला है। आप दोस्तों टेंशन में हो गए कि हम फ्री फायर को यार अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों फ्री फायर तो प्ले स्टोर में है ही नहीं, वहां से तो रिमूव कर देगा। ठीक है दोस्तों, हाँ फ्री फायर मैक्स तो आपको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर, और दोस्तों फ्री फायर मैक्स को तो आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर जाकर। बट दोस्तों मेन प्रॉब्लम उनको आ रही है जो कि फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनके पास सिंपल फ्री फायर, ठीक है, तो वो कैसे अपडेट करेंगे उनको टेंशन हो। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको फ्री फायर को अपडेट कैसे करना है कल, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फ्री फायर ने एक नोटिस दिया, ठीक है, न्यू सेक्शन में जब आप जाएंगे तो गाइस यहां पे फ्री फायर ने नोटिस दिया, ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने बताया कि आपको गेम को अपडेट वगैरह कैसे करना है। साथ ही दोस्तों उन्होंने इस नोटिस में एक वार्निंग वगैरह भी दी है कि आपको इस टाइप से नहीं करना है, वरना आपकी आईडी वगैरह भी बैन हो सकती है। तो गाइस ये नोटिस क्या है, तो आपको कैसे अपडेट करना है और आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके अपने भाई का चैनल है, प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर से ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि ये जो फ्री फायर ने नोटिस दिया हमें, इसका क्या मतलब है और हमें गेम वगैरह कैसे अपडेट करनी है और हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आईडी कहीं बैन ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इस इवेंट वाले सेक्शन में जाकर, यहाँ पे न्यूज में सेक्शन में जाकर, ठीक है, यहाँ पे दिखते फ्री फायर ने यहाँ पे दो नोटिस दिए, ठीक है, यहाँ पे दिखते दो तरह के नोटिस दिए, ठीक है, एक सर्वर मेंटेनेंस है और लिखा है डू नॉट अपडेट गेम। तो गाइस इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या है। तो पहले गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम सर्वर मेंटेनेंस वाला मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है डियर सर्वर, टू ऑप्टिमाइज योर गेमिंग एक्सपीरियंस वी विल कंडक्टिंग लॉग इन सर्वर मेंटेनेंस ऑन 23 मार्च एट 10 and 11, ठीक है दोस्तों। मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच में क्या हुआ कि आप गेम के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों गेम होगा मेंटेनेंस में। पहले क्या होता था कि 9 बजे गेम बंद होता था, ठीक है, जब भी मेंटेनेंस था। बट दोस्तों अब क्या होगा कि जो हमारा गेम है ना फ्री फायर, वो 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों, मेंटेनेंस चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है, यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन टू योर अकाउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बट ऑनलाइन प्लेयर्स हु आर लॉग्ड इन बिफोर दिस टाइम कंटिन्यू टू एक्सेस और प्ले द गेम। मतलब इन्होंने लिखा है कि मान लीजिए अगर 10 बजे मेंटेनेंस में गेम आ जाती तो गाइस अगर आप गेम को ओपन करके लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो गाइस आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों गेम मेंटेनेंस में रहेगा। और मान लीजिए दोस्तों जो कि बंदे पहले से खेले मेंटेनेंस के टाइम भी खेले, ठीक है, उन्होंने गेम को बंद नहीं किया था, तो गाइस वो गेम खेल सकते, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए दोस्तों आप गेम प्ले नहीं करें, गेम वगैरह नहीं खेलें, तो गाइस अगर आप फ्री फायर को ओपन करके लॉग इन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी आईडी जो है लॉग इन नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों गेम मेंटेनेंस में होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर बैक आफ्टर द मेंटेनेंस इज कंप्लीट। मतलब कि दोस्तों जब मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप गेम प्ले वगैरह कर सकते हैं फ्री फायर में लॉग इन करके। अब दोस्तों मेन बात आती है कि यार कल अपडेट तो है, बट दोस्तों हमें गेम को अपडेट कैसे करना है वो चलिए जान लेते हैं। तो गाइस हम ऊपर वाला नोटिस देखते हैं जहाँ पे लिखा डू नॉट अपडेट गेम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है डियर सर्वाइवर प्लीज डू नॉट ट्राई टू अपडेट द गेम क्लाइंट फॉर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। मतलब कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि आपको जो गेम अपडेट करनी है ना वो कहीं आप यार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है ना, जैसे कि अदर वेबसाइट हो गया, ठीक है दोस्तों, किसी VPN के थ्रू गया, उनसे आप गेम को मत अपडेट करना। यहाँ पे फ्री फायर ने साफ साफ लिखा है, मतलब कि दोस्तों अगर आप उनसे कर देते तो आपकी आईडी वगैरह बैन हो सकती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है यू कैन कंटिन्यू टू प्ले एज यूजल विद द करंट क्लाइंट इफ यू हैव एक्सीडेंटली इंस्टॉल द रॉन्ग क्लाइंट प्लीज फॉलो स्टेप बिलो। मतलब कि दोस्तों अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने गलती से यार बाहर वाली जो वेबसाइट है या फिर किसी और ऐप से आपने यार मतलब फ्री फायर को डाउनलोड कर लिया, ठीक है दोस्तों, मोड APK आपको पता मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो सबसे पहले आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर जाके यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वंस यू ओपन द रॉन्ग गेम क्लाइंट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अवर वेबसाइट टू डाउनलोड द कलेक्ट क्लाइंट वर्जन। मतलब कि दोस्तों इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आप गलती से कर भी लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप ये फ्री फायर गेम का APK डाउनलोड कर भी लेते तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप उसके अंदर अपनी आईडी लॉगिन करके खेलेंगे तो गाइस आपकी आईडी बैन वगैरह हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इन्होंने कहा है कि आपको उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वहां पे जाकर इन्होंने लिंक दिया होगा फ्री फायर, तो आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब कि दोस्तों इन्होंने साफ साफ कहा है कि कल जो मेंटेनेंस में गेम रहेगा ना तो उसके दौरान आपको क्या करना, थर्ड एप्लीकेशन से कोई भी जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट होगी वहां से आपको फ्री फायर को नहीं डाउनलोड करना है। ये क्या करेंगे फ्री फायर वाले, क्या करेंगे, यहां पे उन्होंने कहा है कि हम जो हमारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल, तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो गाइस क्या होगा कि वहां पे उन्होंने अपने नई फ्री फायर अपडेटेड का लिंक वगैरह दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहां पे आपको ऐसे करना, आपको गूगल क्रोम पे, ठीक है दोस्तों, यहां पे लिखना है ग्रीना फ्री फायर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो गाइस यहां पे देखते पहली वेबसाइट है ff.greena.com, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहां पे देखते हैं, यहां पे लिखा APK डाउनलोड, ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहां पे देखते दो तरह के APK, एक फ्री फायर का APK दिया और एक फ्री फायर मैक्स का APK दिया। तो आपको फ्री फायर APK पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, आपको इसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल
वेबसाइट है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी आपको मतलब गलत चीज़ वगैरह नहीं मिलेगी, आपको सही से सही अब फ्री फायर गेम ही मिलेगी, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब अगर आप कहीं और से करना चाहते तो गाइस आपको पता है इनके यूट्यूब चैनल भी है फ्री फायर का ई स्पोर्ट इंडिया वाला चैनल भी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जब आप फ्री फायर ई स्पोर्ट इंडिया सर्च करेंगे तो गाइस वहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो गाइस वहाँ पर भी आपको फ्री फायर गेम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, जब दोस्तों आप फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल पेज सर्च करेंगे तो गाइस वहाँ पर आपको मैक्स वाले लिंक मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल फ्री फायर के लिंक नहीं मिलेंगे, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, ठीक है। तो 10 से 11 बजे के बीच में कल मेंटेनेंस रहेगा, उसके बाद दोस्तों आपको करना है थोड़ी देर बाद जाकर दोस्तों आपको ये लिंक वगैरह चेक करने, तो वहां से आपको इस गेम को डाउनलोड कर लेना। बट दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी समय मत करना, ठीक है। तो कम से कम आप शाम का वेट कर लेना, ठीक है। तो फ्री फायर क्या करेगी, नई लिंक वगैरह ऐड कर देगी जो भी अपडेटेड गेम के होंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाकर मतलब क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्री फायर की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करना और कहीं से नहीं करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया आपको वैसे ही करना। आपको क्या करना, सबसे पहले यार जो आपकी मतलब मोबाइल में गेम डाउनलोडेड है आपको उसे डिलीट कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फ्री फायर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको वहां से फ्री फायर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको गेम को डाउनलोड कर लेना है। बट दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, कल ऐसा भी हो सकता है कि फ्री फायर जब आप ओपन करेंगे तो आप मेंटेनेंस लिखा होगा, तो हो सकता है साइड में आपको अपडेट वाली ऑप्शन भी आ जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं गेम को, ठीक है। तो नहीं तो दोस्तों अगर वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं आता तो गाइस आपको क्या करना है, फ्री फायर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या फिर उनके आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है फ्री फायर ई स्पोर्ट इंडिया होगा, ठीक है। तो या फिर इंस्टाग्राम के लिंक पर जाना है, ठीक है। तो फ्री फायर ई स्पोर्ट इंडिया का इंस्टाग्राम चैनल भी है, फेसबुक भी, ठीक है। तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा नई अपडेटेड गेम का, ठीक है। तो ऐसा भी करना है। बाकी दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, कल दोस्तों क्या होगा कि अगर मुझे कुछ भी पता चलता है कि फ्री फायर को अपडेट करने का कोई और भी तरीका देती है फ्री फायर, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर से ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, जिससे कि होगा आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि अब आप समझ गए होंगे कि हमें फ्री फायर को डाउनलोड कैसे करना, मतलब उसे अपडेट कैसे करना। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।